जींद के नागरिक अस्पताल में धरना और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने 35,400 की मांग का नोटिफिकेशन जारी ना करने और बातचीत ना करने के विरोध में अर्थनग्न होकर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व धरने पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के जिला प्रधान गोरेंद्र सैनी और सचिव राजेश काली रमन ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों से बातचीत करने की बजाय आंदोलन को दबाने के लिए नो वर्क नो पे का जो आदेश जारी किया है उससे कर्मचारी डरने की बजाय और ज्यादा ऊर्जा के साथ आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों ने पिछले 3 दिनों में गांव-गांव और घर घर जाकर आम जनता का समर्थन हासिल करते हुए सरकार की किसान मजदूर छात्र कर्मचारी जन विरोधी नीतियों का खुलासा और जन विरोधी नीतियों पर जनता को जागरूक करने का कार्य किया है। उन्होंने दुख जताते हुए बताया कि सरकार की हठधर्मिता की वजह से सभी विभागों में रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होने से आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जींद से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज हमारा 21वां दिन हड़ताल का है और सरकार कोई विशेष रूप से हमारे हड़ताल पर हमारी मांगों पर नहीं दिखा रही है। इसके रोष स्वरूप आज हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन ने अर्धनग्न होकर के सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं और अपनी मांग को जनता तक लेकर जाने का काम किया है। अगर अब भी सरकार हमारी मांग 35,400 की नहीं सुनती है, जैसे सबको पता है, आम जन को भी पता है और अभी आपके सामने भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी मुख्य मांगे मिनिस्ट्री स्टाफ के वेतन बढ़ोतरी की, वह जो लाखों की संख्या में पद खाली हैं जहाँ आम जनता को रोजगार मिलना है वो बढ़ने की हमारी मांगे हैं। इसके अंदर हमारा लिपिक स्टेनो कंप्यूटर 35,400, सहायक आंकड़ा सहायक स्टेनोग्राफर हमारा 47,600, उपाधीक्षक का हमारी मांग है कि 47,600 किया जाए हमारा वेतन, और अधीक्षक का 56,100 पूरा किया जाए, क्योंकि वर्ष 2014 में 25 अगस्त 2014 में जो मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ था उस अनुसार वह सातवें वेतन आयोग के आधार पर हमारा आज के दिन ये वेतन जायज बनता है। और सरकार से हम बार बार इसी भी चीज़ की अनुरोध भी कर चुके हैं, वार्तालाप एक दूसरे संगठन से हो भी चुकी है, लेकिन कोई विशेष रुचि सरकार नहीं दिखा रही। ऊपर से नो वर्क नो पे का भी इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि भी नो वर्क नो पे हो, सस्पेंशन हो, टर्मिनेशन हो, अब तो 35,400 पे ही बात करनी है, तो सरकार हमारे साथ वार्तालाप करे, अदरवाइज हम बैठे हैं और बैठे बैठे नहीं आगे हम जैसे पीछे 2-3 जो छुट्टियां थी हमारी आम जनता में हम गए हैं, आगे से हम पूरा टीम बना करके प्रत्येक जिले में प्रदेश के प्रत्येक गाँव में जाने का हम काम करेंगे ताकि आम जनता को हमारी मांग के बारे में पता चले और हमारी जायज मांग हमारी सुनी जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।